हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका स्टडी विद अरविंद में। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से लेकर आए प्रैक्टिस सेट संख्या 5, जिसमें आप सभी को प्रतिदिन 25 प्रश्न हल करवाए जाते हैं और प्रश्नों के साथ सभी प्रश्नों का डिटेल आंसर जो है विद डिटेल में उपलब्ध कराया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मन का विश्वास ही आपके सफल होने की कुंजी है। तो जो आपके मन का विश्वास है वो हमेशा बनाए रखें और विश्वास के साथ अपनी तैयारी करें, और आपके मन के विश्वास ही आपके सफल होने की कुंजी है। पहला क्वेश्चन है, पीआर पोचकनवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्तिशिल्प किस माध्यम में है। पीआर पोचकनवाला का फ्लाइट शीर्षक नामक मूर्तिशिल्प किस माध्यम में है। ऑप्शन ए इस्पात, बी कांस्य, सी संगमरमर, डी एल्यूमिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एल्यूमिनियम माध्यम में है। पीआर पोचकनवाला का फ्लाइट नामक जो शीर्षक मूर्तिशिल्प है वह किस माध्यम में है, तो एल्यूमिनियम माध्यम में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डिटेल देखते हैं, तो इसका आंसर डी होगा। व्याख्या, पी आर पोचकनवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्तिशिल्प जो है एल्यूमिनियम माध्यम में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2, मूर्तिकार वी आर खजूरिया कहाँ से संबंधित हैं। तो मूर्तिकार वी आर खजूरिया जो है वह कहाँ से संबंधित हैं। ऑप्शन ए भोपाल, बी चंडीगढ़, सी जम्मू, डी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नई दिल्ली, सॉरी यानी जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। वी आर खजूरिया जो है यह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं और यह जम्मू से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वी आर खजूरिया 5 दिसंबर 1934 यानी 1934 और 5 दिसंबर 1990 का जन्म जम्मू में हुआ था। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है इनकी डेट ऑफ बर्थ में, तो इसको एक बार हम फिर से आपको रिवीजन करा देंगे इस क्वेश्चन का। तो जम्मू में हुआ था, वह उत्कृष्ट कोटि के मूर्तिकार थे। इन्होंने जम्मू स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3, कोणार्क मंदिर किससे संबंधित है। तो कोणार्क मंदिर जो है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए ब्रह्मा, बी सूर्य, सी विष्णु, डी शिव यानी नटराज। कोणार्क मंदिर जो है वह किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कोणार्क मंदिर जो है वह सूर्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में कोणार्क नामक शहर में स्थित है। यह भारत के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में के रूप में मान्यता दी है। तो इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता कब दी है, तो 1984 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिलवाड़ा माउंट आबू, बी ओसियान, सी भुवनेश्वर, डी कांचीपुरम। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी लिंगराज मंदिर जो है वह भुवनेश्वर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। यह प्रश्न टीजीटी 2013 में पूछा जा चुका है। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के विशाल मंदिर में उड़ीसा मंदिरों की पूर्णता व्याप्त है तथा उड़ीसा शैली का सर्वोत्कृष्ट जीवित उदाहरण है। उड़ीसा में भुवनेश्वर मंदिर जो है, लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है और यह उड़ीसा शैली का सर्वश्रेष्ठ जीवित उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, दिलवाड़ा मंदिर है इसका, तो दिलवाड़ा मंदिर जो है किस से बना हुआ है। ऑप्शन ए टेराकोटा, बी बलुआ पत्थर मूर्तिकला, सी संगमरमर मूर्तिकला, डी प्लास्टर मूर्तिकला। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संगमरमर मूर्तिकला। दिलवाड़ा मंदिर जो है वह किस से बना हुआ है, तो संगमरमर से बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगमरमर मूर्तिकला है यहाँ पर। माउंट आबू राजस्थान के मानचित्र में दिलवाड़ा के जैन मंदिर के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज यह मंदिर संगमरमर शिल्प की अनूठी योजना के कारण विश्वभर में विख्यात है। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है और यह बहुत ही प्रसिद्ध संगमरमर शिल्प की अनूठी योजना के कारण विश्वभर में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है,
प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, खजुराहो प्रसिद्ध है, तो खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मूर्तियों के लिए, बी मंदिरों के लिए, सी चित्रों के लिए, डी झीलों व नदियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए। खजुराहो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ लगभग 85 मंदिर हैं, जिसमें वर्तमान समय में लगभग 25 मंदिर ही सुरक्षित अवस्था में बचे हैं। यहाँ पर स्थित कंदरिया महादेव का मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। तो खजुराहो में जो मंदिर है उसका निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिकंदराबाद, बी मुरादाबाद, सी हैदराबाद, डी अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हैदराबाद नगर की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। चार मीनार नामक मस्जिद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद जिले में स्थित है और इसका निर्माण जो है कुली कुतुब शाह ने ही करवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कीर्ति स्तंभ कहाँ है? ऑप्शन ए बीजापुर, बी जयपुर, सी ग्वालियर, डी चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 की व्याख्या देखते हैं। मालवा के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने 1484 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था, जिसे हिंदू देवशास्त्र का विचित्र कोष कहा गया है। इसके अतिरिक्त राणा कुंभा ने मेवाड़ में अनेक महल, मंदिर और किलों का निर्माण कराया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, किस चित्र में सृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है? तो वह कौन सा चित्र है जिसमें सृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है? ऑप्शन ए नटराज नृत्य, बी शिव नृत्य, सी कामदेव नृत्य, डी इनमें से सभी नृत्यों में। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नटराज नृत्य में नामक जो चित्र है, मूर्ति है, इसमें सृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है। नटराज नृत्य शिव के तीनों रूपों सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण संहारक का बोध कराता है। इसी आधार पर चोल शासकों ने कांस की नटराज मूर्ति का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, नटराज मूर्ति की ऊंचाई है, तो नटराज मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 2.6/1 इंच, बी 26 सेंटीमीटर, सी 3.6/8 इंच, डी 8 इंच। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3.6/8 इंच इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चोल शासकों द्वारा बनवाई गई नटराज की मूर्ति अति प्रसिद्ध मानी जाती है, जो शिव के तीनों रूपों का बोध कराती है। इस मूर्ति की ऊंचाई 3.6/8 इंच है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11, काले व सफ़ेद रंग को माना जाता है, काले व सफ़ेद रंग को माना जाता है। ऑप्शन ए प्राथमिक रंग, बी गर्म रंग, सी द्वितीयक रंग, डी आवरणीय रंग। क्वेश्चन नंबर 10 का डी होगा, आवरणीय रंग। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आवरणीय रंग, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 का डिटेल देखते हैं। सफ़ेद व काले रंग को आवरणीय रंग माना जाता है। काला सफ़ेद और ग्रे रंग को तटस्थ रंग कहा जाता है। काले सफ़ेद की दृश्यानुभूति रोड्स तंतु ग्रंथियों से होती है। श्वेत श्याम वर्णों से चित्रण करने की पूर्ण शून्यता कहते हैं, वर्ण शून्यता कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12, किसी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग कहलाता है? ऑप्शन ए पूरक रंग योजना, बी अवर्णीय रंग योजना, सी एक वर्णीय रंग योजना, डी समीपवर्ती रंग योजना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एक वर्णीय रंग योजना।
किसी भी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग एक वर्णीय रंग योजना कहलाता है। यहाँ केवल एक ही रंगत के विभिन्न मान तथा सघनता वाली रंगतों का प्रयोग यानी तालमेल एकांकी वर्ण के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह एक वर्ण से बने होते हैं, जैसे नीला, हल्का नीला तथा गहरा नीला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13। यदि लाल और पीले को एक साथ मिलाएं तो नया रंग बनेगा, तो कौन सा रंग बनेगा? ऑप्शन ए गुलाबी रंग, बी लेमन रंग, सी नारंगी, डी हरा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नारंगी रंग बनेगा। लाल और पीले रंग को आपस में मिलाने से नारंगी रंग बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नारंगी यदि लाल व पीले रंग को एक साथ मिलाएं तो नया रंग नारंगी रंग प्राप्त होगा। नारंगी एक दैनिक जीवन में प्रयुक्त रंग है जो नारंगी के छिलके के वर्ण जैसा दिखता है। यह पीला तथा लाल रंग के बीच लगभग 585 से 620 मिली माइक्रो तरंग दैर्य पर मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। इंद्रधनुषी तस्तरी की परिकल्पना किया, इंद्रधनुष तस्तरी की परिकल्पना किसने किया है? ऑप्शन ए प्रकृति द्वारा, बी न्यूटन द्वारा, सी विलियम अस्टी द्वारा, डी जेम्स वाट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी न्यूटन ने इंद्रधनुषी तस्तरी की परिकल्पना की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। न्यूटन द्वारा इंद्रधनुषी तस्तरी की परिकल्पना न्यूटन द्वारा की गई थी। इंद्रधनुष एक आकाशीय परिघटना है जिसका उदय वर्षा के बाद पूर्व व पश्चिम दिशा में होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इंडिगो रंग नीले और का मिश्रित है। तो इंडिगो रंग जो है नीले के साथ और कौन सा रंग मिलाने पर बनता है? ऑप्शन ए पीला, बी काला, सी बैगनी, डी लाल। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी इंडिगो रंग तैयार करने के लिए नीले के साथ बैगनी रंग को मिलाया जाता है। बैगनी इंडिगो रंग एक रंग है जो विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम में 420 से 450 मिली माइक्रोन क्षण तरंग दैर्ध्य पर नीला तथा बैगनी वर्ण के बीच होता है। मूल रंग 3 होते हैं, नीला, लाल और पीला। इन्हीं मूल रंगों से अन्य रंग बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा रंग ठंडा होता है? ऑप्शन ए पीला, बी लाल, सी नीला, डी काला। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी नीला रंग जो है यह ठंडे रंग माने जाते हैं। नीला हरा, नीला रंग ठंडा होता है। हरा नीला शीत वर्ण है, उष्ण वर्ण लाल पीला है। शीत वर्ण की तरंग गति कम होती है, उष्ण की तरंग गति बहुत अधिक होती है। तटस्थ रंग काला सफ़ेद ग्रे होते हैं। हरा का विरोधी लाल, नारंगी का विरोधी बैगनी, नीला का विरोधी नारंगी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17। यह प्रश्न PGT 2021 में पूछा गया था। इनमें से पेवड़ी होता है तो पेवड़ी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पीला रंग को, सी नारंगी रंग को, बी नारंगी रंग को, सी खड़िया सफ़ेद रंग को, डी काला रंग को। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पेवड़ी जो है पीले रंग को कहा जाता है। तो यह प्रश्न जो है PGT 2021 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। पेवड़ी को ढाक के फूल से पीला रंग बनाया जाता है। लाल रंग गेरू या हिरौंजी, काला रंग कोयला या कागज, सफ़ेद रंग खड़िया पशुओं के चर्बी मिलाकर बनाया जाता है। इन सभी रंगों में जो है पशुओं की चर्बी मिलाकर बनाया जाता है। बोधि वृक्ष क्या है? तो बोधि वृक्ष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आंवला, बी आम का वृक्ष, सी वट का वृक्ष, डी पीपल का वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है, और वट वृक्ष जो है बरगद के वृक्ष को वट वृक्ष कहा जाता है, और पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। बोधि वृक्ष एक पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अजंता एलोरा की गुफाएं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न संख्या 19। अजंता एलोरा की गुफाएं
कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई हैं? अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं वह कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई हैं? ऑप्शन ए 600 वर्ष, बी 800 वर्ष, सी 1100 वर्ष, डी 1100 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1100 वर्ष में अजंता की गुफाएं जो है बनकर तैयार हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 का डिटेल देखते हैं। यह प्रश्न भी TGT 2004 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अजंता की गुफाएं जो है गुफा संख्या 1 और 2 500 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में बनकर तैयार हुई तथा गुफा संख्या 9, 10 200 से 300 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। एलोरा की कला प्रायः 900 वर्षों तक अविरल धारा के रूप में प्रवाहित होती रही हैं। तो सबसे पहले कौन सी गुफाएं बनकर तैयार हुई थी? गुफा संख्या 9 और 10। उसके बाद सबसे पहले बनी थी 9 और 10, उसके बाद बाकी सारी गुफाएं बनी थी अजंता की। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20, अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है? तो यहाँ पर प्रश्न है कि अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र व मूर्ति नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है बताना है। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, कभी कभी प्रश्न में दे देता है एग्जाम में कि नहीं है और हम लोग गलती कर देते हैं, है वाले में लगा देते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक होते हैं और बहुत ही अधिकतर गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी ईसाई धर्म। तो अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है? तो इसका जो तीनों ऑप्शन है बी सी और डी, यह तीनों धर्म जो है अजंता से रिलेटेड नहीं है। सिर्फ ऑप्शन ए है यानी बौद्ध धर्म ही अजंता गुफा में दर्शाया गया है, साक्ष्य मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सी और डी। अलंकारिक आलेखनों को छोड़कर अजंता बौद्ध कला का सृजन केंद्र था, अतः इन गुफाओं में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म से संबंधित चित्रों का समावेश नहीं हुआ। बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के जन्म, जन्मांतर की कथाएँ, जातक कथाओं के अंतर्गत चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21, अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? ऑप्शन ए जैन धर्म, जैन, बी बुद्ध, सी महावीर, डी यीशु मसीह। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अजंता के चित्र बुद्ध के जीवन पर आधारित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अजंता के गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, इसमें बुद्ध तथा बोधिसत्वों का चित्रण मिलता है। बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं तथा जातक कथाओं के दृश्यों का अंकन बहुतायत से किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेड आर्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आनंद कुमार स्वामी, बी एशेल क्रैमरिज, सी हरमन गोएथे, डी ए एल बासम। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्टेला क्रैमरिज द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेड आर्ट के लेखक हैं स्टेला क्रैमरिज। यह प्रश्न UGC नेट की परीक्षा में जनवरी 2017 में पूछा गया है। स्टेला क्रैमरिज 1896 से 1993 तक इनका जो जीवन कार्य था, अमेरिका आर्ट हिस्टोरियन थी। ये अमेरिका के पेंसिल वालियों में प्रोफेसर थीं। स्टेला क्रैमरिज एक्सप्लोरिंग इंडिया सफ्रेड आर्ट की लेखक थीं। इन्होंने इंडियन आर्ट और हिंदुज्म पर पुस्तकें लिखी थीं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23, पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखी है? ऑप्शन ए EH गोमरिज, बी आर कॉलिंगवुड, सी स्टेला क्रैमरिज, डी रूडॉल्फ आर एन। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्टेला क्रैमरिज ने प्रेजेंस ऑफ शिवा नामक पुस्तक लिखी थी। स्टेला क्रैमरिज 1896 से 1993 तक इनका जो जीवन काल था, कला इतिहासकार। इन्होंने भारतीय कला व हिंदू धर्म पर विशेष कार्य किया। इनकी प्रमुख पुस्तक है निम्नवत है, द हिंदू टेम्पल, जो 1946 में
लिखी गई प्रेजेंस ऑफ शिवा 1981 में, इंडियन स्कल्पचर 1933 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24, बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन ए बीजापुर पर्वत श्रेणी, बी विंध्य पर्वत श्रेणी, सी हिमाचल पर्वत श्रेणी, डी सीमापुर पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बीजापुर पर्वत श्रेणी में स्थित है बादामी गुफाएं, यानी कर्नाटक में स्थित है बादामी गुफाएं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह प्रश्न जो है TGT 2003, 2010, 2011 और PGT 2005 की परीक्षा में पूछा गया था। बादामी कर्नाटक प्रांत के बीजापुर जिले में स्थित है। यहाँ पर चार गुफाएं पाई गई हैं जिनका निर्माण चालुक्यों ने किया था। इस गुफा में हिंदू जैन धर्म से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25 और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? ऑप्शन ए पहाड़ों से, बी नदी से, सी समुद्र से, डी पहाड़ियों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी समुद्र से घिरी हुई है एलिफेंटा गुफाएं जो हैं वह समुद्र से घिरी हुई हैं। एलिफेंटा गुफाएं मुंबई में स्थित हैं। इस गुफा का निर्माण समुद्र तट के लगभग 6 मील अंदर एक टापू पर स्थित है जो सभी तरफ से समुद्र से घिरी है। एलिफेंटा का प्राचीन नाम धारापुरी तथा परंतु इसके द्वार पर हाथी की मूर्ति बने हैं होने के कारण इसे पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा रखा। तो कैसी लगी आज की प्रश्नावली श्रृंखला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर करिए जिससे कि और भी लोगों तक क्लास पहुँचे और हमें हौसला बढ़े आप सभी के लिए और अच्छे अच्छे क्लासें और प्रश्न लाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।